की किस्मत कब और कैसे बदलती है ये किसी को पता नहीं होता। बस व्यक्ति को मेहनत करते रहना चाहिए और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। फिर कोई मजदूर का ही बेटा क्यों ना हो, अगर सपने बड़े देख लिए हैं तो सफलता मिलनी ही है। हम ऐसे ही एक सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं जो साउथ सिनेमा का सुपरस्टार है और फिल्मों में करोड़ों की कमाई करता है, लेकिन उनके पिता ने अपने पुराने काम को आज तक नहीं छोड़ा क्योंकि वो ही उनकी पहचान है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक है ये साउथ सुपरस्टार। चलिए बताते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। अगर आप कन्नड़ फिल्म KGF के एक्टर यश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको उनके बारे में जरूर जानना चाहिए। इस बंदे की कहानी हर किसी को एक बार सोचने पर मजबूर कर सकती है। 2018 में बनी साउथ की सुपरहिट फिल्म KGF हिंदी बेल्ट में भी लोगों पर अपनी छाप छोड़ चुकी है। फिल्म ने 200 करोड़ का कारोबार भी किया था। यश की फिल्म ने पहली बार 200 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन उनके पिता आज भी बस ड्राइवर हैं। उनका नाम अरुण कुमार है और उनके मुताबिक इस पेशे के कारण ही उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और इस लायक बनाया है कि वो बड़ा स्टार बन सके, इसलिए वो अपने ड्राइवर के काम को नहीं छोड़ सकते। यश का जन्म कर्नाटक में हुआ और उनका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। यश ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल नंदा गोकुल से की थी। पिछले साल आई फिल्म KGF ने कमाल कर दिया और इन्हें पूरे भारत में पहचान दिला दी। यश ने अपने 12 साल के करियर में 18 फिल्में ही की हैं और आज उनके पास लगभग 40 करोड़ की संपत्ति है। यश 3 करोड़ के बंगले के मालिक हैं और एक फिल्म का 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। यश बहुत बड़े दिल वाले हैं और इन्होंने एक्ट्रेस राधिका पंडित के साथ लव मैरिज की है। इनकी पहली मुलाकात टीवी सीरियल नंदा गोकुल के सेट पर हुई थी। पहले दोस्ती और फिर प्यार हुआ। इसके बाद गोवा में इन्होंने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली। इसमें दिलचस्प बात ये है कि यश ने अपनी शादी की रिसेप्शन में कर्नाटक की पूरी जनता को इन्वाइट किया था और अब उन्हें एक बेटी भी है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।